आप सभी का स्वागत है कलीसिया परमेश्वर की पवित्र और जीवित और सामर्थ भरी हजूरी में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया आज तालियों के साथ एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो हमारा परमेश्वर हर दिन हमें संभालते चले जा रहे हैं, अपने हाथों पर लिए फिर रहे हैं। आज सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए, उसकी सामर्थ भरी हजूरी के लिए। आज सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। सभी जन अपना ध्यान आज परमेश्वर की ओर लगाएं, प्रभु की हजूरी में एक मन एक चित कनेक्ट होते हुए आज परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। सभी जन एक एक जन इस समय जहां कहीं भी प्रभु यीशु मसीह की हजूरी के साथ इस समय कनेक्टेड है, एक एक जन आज प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हर दिन हमें अब छुड़ाता चले जाते हैं, जो हर दिन हमें संभाल रहे हैं, जो हर दिन हमारे बोझ को उठा रहे हैं, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हमें अपनी साथ होना शांति तसल्ली देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, thank you jesus, hallelujah, praise god, dhanyavaad praise the lord, praise the lord, thank you jesus, dhanyavaad yeshu, dhanyavaad yeshu, sabhi jan parmeshwar ka dhanyavaad kare, apne ghutno pe aaye sabhi jan, sabhi bacche बड़े इस समय बुजुर्ग, सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने मुखों को खोलें और धन्यवाद करें। अपनी तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाएं। एक एक जन, सभी जन आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमें आठ दिन बचाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे आगे आगे चलने वाले परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें, उसकी हमदस करना करना शुरू करें। सभी जन इस समय परमेश्वर के निकट आए, उसका धन्यवाद करते हुए, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमें आठ दिन से छुड़ाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे आगे आगे चलने वाले प्रभु का धन्यवाद करें। हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। प्रेमी पिता, सब कुछ आपके हाथों में देते प्रभु, एक एक जनों का प्रभु यीशु जा रात भर संभाला प्रभु जी, सुबह दिया, ये समय दिया प्रभु जी, अपनी हजूरी दी प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु राजा। हर दिन प्रभु हमें अपने हाथों पे लिए फिरने वाले जलाली प्रेमी पिता, आज हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सभी जनों को आपके हाथों में देते, जितने जन प्रभु इस समय आपके हजूरी में है प्रभु जी, आपकी सम्मुख आए प्रभु जी, एक एक जनों को प्रेमी पिता आज आपके हाथों में देते प्रभु यीशु राजा। जितने जन प्रभु इस समय आपकी पवित्र हजूरी में कनेक्ट रहे, आपके सम्मुख आए प्रभु यीशु राजा, एक एक जनों को आपके हाथों में देते, आपके हाथों में देते, आपके हाथों में देते प्रभु यीशु राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, आपका पवित्र आत्मा आज एक एक जीवन में जुम्बश करे प्रभु यीशु राजा। हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, हर एक एक जनों को जितने जन इस समय आपके हजूरी में है प्रभु जी, आपके सम्मुख बैठे प्रभु यीशु राजा, कहीं पर भी है प्रभु यीशु राजा, किसी भी स्टेट से, किसी भी कंट्री से प्रभु जी, आज आपके लहू में कवर कर देते हैं, आज आपके लहू में कवर कर देते प्रभु यीशु राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज सभी जान जहां कहीं सभी इस समय परमेश्वर पिता की पवित्र और सामर्थ बढ़िया जीवित हजूरी के साथ कनेक्ट रहे। लाइफ के कैसे भी सिचुएशंस होने से, कैसे भी हालात होने से, आपके रिपोर्ट्स कैसे भी होने से, बार बार हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने से, बार बार वो चेकअप कराने से आप थक गए, हार गए, आज परमेश्वर के करीब आए, क्योंकि वह शांति का सोता है, वह हमारा चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वह सर्वशक्तिमान है, वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर पिता है। आज उस परमेश्वर के करीब आते चले जाएं, और आपको कलीसिया आज परमेश्वर के करीब एक बार फिर से आपने विश्वास के साथ आना है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि विश्वास की जब हम प्रार्थना करेंगे तो एक रोगी चंगा हो जाएगा, आप छुटकारे को पाएंगे, आप बंधनों से आजाद किए जाएंगे, आपके जुए तोड़ दिए जाएंगे,
हालेलुया। इसलिए सभी जन, एक एक जन, जितने जन इस समय परमेश्वर की हजूरी में है, आज अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाएं और प्रभु के करीब आते चले जाएं, आज कनेक्ट होते चले जाएं, अपने हाथों को उठाएं और अपने हाथों को हिलाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें जो आज के दिन तक प्रभु ने हमें संभाला, जो हमें अंधकार में से निकाला उसके लिए धन्यवाद करें। बीमार पड़ने से प्रभु ने हमें चंगाई दिया, अपने वचन से अपने वायदे को पूरा करते हुए उसके लिए उसका धन्यवाद करें। उसने हमारे लिए मार्ग खोल दिया उसका धन्यवाद करें। उसने हमारे दरवाजों को खोल दिया जो बंद थे उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने सारी देरी की आत्माओं को हटा दिया उसके लिए उसका धन्यवाद करें। बेस्ट बिजनेस के साथ ब्लेस किया उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें कि जान आज प्रभु यीशु मसीह का। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु ने हमारे आने जाने मार्गों में आज के दिन तक हमारी रक्षण की है, हमारी रखवाली किया है। उसके वचन में लिखा है कि वे अपने दूतों को हम सब के निमित्त आज्ञा देगा कि हम जहां कहीं भी आते और जाते हैं परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी अगुवाई करे। और कलीसिया सच में आज के दिन तक हमारे परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने हमारी अगुवाई किया है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। अपने मुखों को खोले परमेश्वर का धन्यवाद करे, अपने हाथों की तालियों के साथ उसका धन्यवाद करते चले जाए। धन्यवाद करे जो उसने कलीसिया आपको अपनी शांति दिया उसके लिए उसका धन्यवाद करे। लाइफ के उतार चढ़ाव आने से भी परमेश्वर ने संभाल के रखा उसके लिए उसका धन्यवाद करे। आपकी जरूरतों को परमेश्वर ने आज के दिन तक अपने आकाश रूपी स्वर्ग के भंडार को खोल के पूरा किया कलीसिया उसके लिए उसका धन्यवाद करे। उसने आपको दर्द से आजाद किया उसके लिए उसका धन्यवाद करे। आपकी रिपोर्ट्स को परमेश्वर ने बदल दिया उसके लिए उसका धन्यवाद करे। हर एक एरर्स को उसने कंप्लीट कर दिया, करेक्ट किया, आज परमेश्वर का धन्यवाद करे। धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, क्योंकि जो जो आज परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है वो प्रभु की बड़ी महिमा कर रहा है, वो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है। इसके लिए आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। यदि आज सभी जन आप अपने जीवन में परमेश्वर को चाहते कि परमेश्वर आपके जीवन से खुश हो, परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो, तो आज परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। उसने आपको तमाम तरह की जॉइंट्स पेन से भी आजाद किया है, इन्फेक्शन से आजाद किया है, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। आपकी रिपोर्ट्स को परमेश्वर ने बदल दिया उसके लिए उसका धन्यवाद करें। आपके घर को, परिवार की परिस्थितियों को पूर्ण उतार करके परमेश्वर ने बदला उसके लिए उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। आपके घर में परमेश्वर ने जो मेल मिलाप दिया, जो शांति दिया कलीसे, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक जन जितने जन इस समय प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में, एक एक जन आज उस जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस सामर्थ्य परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जो दयालु है, जो अनुग्रहकारी है, जो दया का सागर है, जो करुणा में परमेश्वर है, जो करुणा निदान है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाए, क्योंकि उसने आपके जीवन पर बड़ी करुणा को दिखाया है, बड़ी दया को दिखाया है, आपकी परिस्थितियों पर तरस खाया है। उसने आपके जीवन में जो आपका संभव लग रहा था वो सब संभव करके दिया, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु की हमारे जीवन में मसीह में यही इच्छा है कि हमारे बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करते चले जाए, धन्यवाद करते चले जाए। बहुत ही कम है जो अपने दर्द के लिए प्रभु का धन्यवाद करते, बीमारी के लिए प्रभु का धन्यवाद करते, क्योंकि जब वो परेशानियों में रह के प्रभु का धन्यवाद करते हैं तो वो परेशानी में नहीं रहते, वो दुख में नहीं रहते, वो दर्द में नहीं रहते, वो तकलीफ में नहीं रहते, वो उनकी परिस्थितियां ऐसी नहीं रहती। बल्कि आज जितने जन बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में है, आज परमेश्वर अपनी महिमा को उनके जीवनों में से प्रकट करते हुए, अपने उद्धार के कामों को उनके जीवन में से जाहिर करते हुए, उन्हें बड़ी गवाही के साथ आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर एक जनों को खड़ा करने जा रहा है। आज कोई भी सेम नहीं रहने वाला, वो हमारे परमेश्वर की पवित्र हजूरी से आज एक एक जन जो परमेश्वर की हजूरी बड़ी खास है, जो अद्भुत है, जो सामर्थ्य से भरी है, आज कोई भी सेम नहीं रहने वाला। आज हमारा परमेश्वर अपने जलाल से एक एक जनों को भरने वाले हैं, अपने अनुग्रह से भरने वाले हैं, अपने जलाल से भरने वाले हैं, अपनी सामर्थ्य से भरने वाले हैं। एक एक आंख के आंसुओं को वह पहुंचने वाला है। हर तरह की दर्द, जो स्टोन की है, जो सिस्ट की है, जो ट्यूमर की प्रॉब्लम है, आज वो परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाने वाली है। आज वो हमारा परमेश्वर जिसके वचन में लिखा है कि मौत तेरा डंक कहाँ है, क्योंकि वो हमारे परमेश्वर ने मौत को
जीत लिया है, जीत लिया है। आज आपकी परिस्थितियां वो मुर्दा हो सकती है, पर कलीसिया यदि आज कह रहे कि प्रभु जी आप मौत के ऊपर जयवंत परमेश्वर है और आज आप फतह पाने जा रहे हैं, उस डर से फतह पाने जा रहे हैं, उस बीमारियों से फतह पाने जा रहे हैं, उन परिस्थितियों के ऊपर आज आप फतह पाने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य सामर्थ्य और सामर्थ्य नाम से। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी बच्चे अपनी स्टडी को प्रभु के हाथों में देना शुरू करें। हर एक जन माँ बाप अपने बच्चों के उनके फ्यूचर को, अपनी खुद की लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को आज प्रभु के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। वो कर्जों को, वो श्रापों को, वो एक एक परिस्थिति को आज प्रभु के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। वो परिस्थितियाँ, वो गुप्त बातें जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, वो हमारा परमेश्वर जिसका वचन कहता है कि वह मनो को जांचने वाला परमेश्वर है, इसलिए आज अपने हृदय को खोले, आज अपने मन को खोले और यीशु नासरी के सम्मुख रखना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो मनों को जांचता है और सब कुछ पूरा करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है और जो हमारे बीच में इस समय मौजूद है, आज सभी कुछ अपने दिलों को खोले, अपने हृदयों को खोले, आज अपने मन को खाली करे परमेश्वर के सम्मुख। कलीसिया थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ऑनलाइन कलीसिया आज एक एक जन अपने आत्मा प्राण और शरीर को आज तालियों के साथ प्रभु के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। सभी जन आज तालियों के साथ अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें, अपने आत्मा और अपने प्राण और अपने शरीर को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें और कहे प्रभु जी मैं अपने आप को दीन और नम्र बनाता हूँ, हालेलुया, ताकि प्रभु जी मैं आप पिता परमेश्वर आपके उद्धार के कामों को अपने जीवन में से पूरा कर सकूं। जिस उद्धार के कामों के लिए प्रभु जी आपने मुझे सृजा है, आप मेरे कर्ता है प्रभु जी, जिस उद्धार के कामों के लिए आपने मेरी रचना की है प्रभु जी, मैं उसे पूरा कर सकूं। प्रभु यीशु मुझे अपना अनुग्रह दीजिए, मुझे अपना पवित्र आत्मा दीजिए। आज की प्रार्थना सभा में मैं सेम न रहने पाऊं, आज की प्रार्थना सभा में मैं दुखी न रहने पाऊं, आज की प्रार्थना सभा में मैं दर्द में न रहने पाऊं, बल्कि आज प्रभु मुझे अपने सामर्थ्य सामर्थ्य पाक हाथ को बड़ा कैसे और आजाद कीजिए, और आजाद कीजिए। आज सभी जनता के साथ अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। वह हमारा परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, आज एक एक जान ताले के साथ अपने आप को सरेंडर करें परमेश्वर के हाथों में और कहे प्रभु आज मुझे अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए, आज मुझे भर दीजिए, आज मुझे भर दीजिए और बदल दीजिए, आज मुझे प्रभु जी अपने सामर्थ्य आते छुए और बदल दीजिए, मेरी परिस्थितियों को बदल दीजिए, मेरे हालातों को बदल दीजिए। एक एक अपनी अपनी बॉडी के एक एक ऑर्गन्स को, हर एक नस को, एक एक पाइप को, हर एक चीज को अपने जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ मुझमें है वो भी परमेश्वर का धन्यवाद करे, इसलिए कलीसिया अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करना शुरू करे। वो दर्द की वो दर्द के हिस्से को प्रभु के हाथों में देना शुरू करे, अपनी बॉडी के एक एक ऑर्गन्स को, ब्लड को, आज नसों को प्रभु के हाथों में देना शुरू करें, एक एक बोन को, एक एक मांस को आज प्रभु के हाथों में देना शुरू करें, एक एक लेयर को आज प्रभु के हाथों में देना शुरू करें। आज वो हमारा परमेश्वर जो जलाली है, जो सामर्थ्य है, वो स्किन का प्रॉब्लम, वो इन्फेक्शन, वो लाइलाज बीमारियां, वो दांतों की प्रॉब्लम, वो कानों से ना सुन पाना, आंखों से ना देख पाना, अपने पैरों पे ना चल पाना, और सब कुछ प्रभु के हाथों में देना शुरू करें। अपनी रिपोर्ट को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी फाइल को आज जलाली परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें, क्योंकि वे अपनी कलीसिया में मौजूद है। आज वो मौजूद है, अद्भुत रीति से मौजूद है, मौजों का करने के लिए, वो मौजों को करने के लिए वहाँ मौजूद है, वो चमत्कारों को करने के लिए मौजूद है। सभी जन तालिक के साथ और अन्य भाषा में भरते हुए, और जिन्हें मिला है वो अन्य भाषा में भर के प्रार्थना करें, जिन्हें नहीं मिला वो परमेश्वर से पवित्र आत्मा की मामूरी को मांगे, मांगते चले जाए क्योंकि वह देने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमारे हर प्रकार के गुनाह, अपराध, पापों से हम सबको क्षमा किया और हमारी बड़े बड़े गुनाहों को, बड़े बड़े पापों को, बड़ी बड़ी गलतियों को उसने अपने अपनी पीठ पीछे फेंक दिया और उसका कभी जिक्र नहीं किया। आज उस परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सरेंडर करना शुरू करे। हमें परमेश्वर ने कभी अकेला पढ़ने नहीं दिया, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करे। कलीसिया जिनके पास जॉब नहीं है, आज उन्हें आत्मा में टच करे और परमेश्वर आज की प्रार्थना सभा में उनके लिए बेस्ट
और बेस्ट और बेस्ट पोजीशन वाली जॉब के साथ उन्हें ब्लेस करने जा रहे हैं। वो कर्जों से आजाद करने के लिए अपनी कलीसिया में मौजूद है। वो हर प्रकार की दर्द से आज रिहा करने के लिए अपनी कलीसिया में मौजूद है। इसलिए कहे प्रभु जी, जब आपके आज आपके दास हमारे बीच में आए तो परमेश्वर उनके साथ साथ आपका जो अभिषेक जो चंगाइयां देता है जो छुटकारा देता है जो रिहा करता है जो आजाद करता है वो हमारे बीच में परमेश्वर आज चले फिरे। और प्रभु आज हमें शू लीजिए और हमें शू लीजिए और जुए और बदल दीजिए। रे बखते बशंत रे बसंत रे बदरी की दबा कशंत रे बस ले ब्रो बशंत ने ने बस तेरे बशंत रे बस रे बखते रे बशंत रे बस। हालेलुया थैंक यू जीसस। ऑनलाइन कलीसिया आज अपने टाइम को वेस्ट कोई नहीं जाने देगा। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ते और बढ़ते चले जाएं और बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। उसके अनुग्रह पे अनुग्रह पाते चले जाएं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य परिपूर्ण होते चले जाएं। वो अग्नि का अभिषेक वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य वो पवित्र आत्मा जो अग्नि का है वो पवित्र आत्मा जो हमारा बड़ा सहायक है वो पवित्र आत्मा जो हमारे परमेश्वर ने हमें दिया आज वो पवित्र आत्मा को मांगे के जन। थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस हालेलुया। प्रभु जी सारी टीम को आपके हाथों में देते प्रभु हर एक जनों को प्रभु आज आपके लहू में कवर करते हैं। थैंक यू जीसस धन्यवाद 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 थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु। सभी जन कली से जोरदार ताले के साथ आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक एक जन जो हमारा परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है बड़े बड़े कामों को करने के लिए ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें धन्यवाद करें धन्यवाद करें सभी जन परमेश्वर का। थैंक यू जीसस आज उसकी तारीफ करें। थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस हालेलुया। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं सभी जन। थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु। सभी जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को स्वर के उठाएं। थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु। सभी जन इस समय हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे अपने मुखों को खोलते हुए। आज अपने घर की परिस्थितियों को वो जो आपको छोड़ के चले गए आज उन्हें आत्मा में टच करना शुरू करें। अपने बच्चों को जो बच्चे अपने माँ बाप से दूर हैं जो कोई हुई चीज़ें वो डॉक्यूमेंट्स वो आपकी रिपोर्ट्स वो मेडिसिन आज परमेश्वर के सम्मुख लेके आए ताकि हमारा परमेश्वर अपने अनुग्रह से आपको परिपूर्ण कर सके। थैंक यू जीसस। आप सभी जन अपने हाथों को स्वर के उठाएं और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु जलाल सामर्थी परमेश्वर पर प्रदान सर्वशक्तिमान प्रभु सब कुछ पूरा करके देने वाले प्रभु मनों को जांचने वाले प्रभु जी सारी जरूरतों को मुहैया करने वाले प्रेमी पिता आज आपका धन्यवाद करते हैं और आज की प्रार्थना को प्रभु आपके हाथों में देते प्रभु आपका पवित्र आत्मा जुम्बश करें। सारी टीम को प्रभु आपके हाथों में देते हैं सारे इंतजाम को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। आज की वचन की सेवा को सुपर ब्लेस करके देने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज का वचन प्रभु जी एक एक हृदय में सर्वदा सर्वदा वास करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस। आप जलाली हैं आप सामर्थ्य हैं और सब कुछ पूरा करके देते प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता। थैंक यू जीसस। आए हुए सभी जनों को ब्लेस करना एक एक ऑनलाइन जनों को परमेश्वर सुपर ब्लेस करने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं निवेदन करते हैं प्रभु। जितने जन हॉस्पिटल से आपकी हजूरी के साथ कनेक्ट रहे जितने जन इस समय बीमार है और आपकी हजूरी में है प्रभु जी आज एक एक जनों को शू लेने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस। सारी टीम के द्वारा प्रभु आपके नाम की बड़ी महिमा बड़ी उस्तत होने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। सारे इंतजाम को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आज एक एक की परिस्थिति की सुधि लेना हर एक बीमार की सुधि लेना हर एक निराशाओं में जो है उनकी सुधि लेने के लिए दुखी की सुधि लेने के लिए प्रभु जी जो कर्जों में जो श्रापों में जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए आज एक एक की सुधि लेने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। दया करो आशी दो सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी जन कली से कहे आमीन 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 हालेलुया 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 हालेलुया। वर्शिप के दौरान अपने हदियों को अपने दानों को प्रभु के घर में डालें प्रभु के घर में दें। जितने ऑनलाइन है वो ऑनलाइन बैंक के थ्रू भी अपने बीजों को प्रभु के घर में भेज सकते हैं। 5 मिनट की वर्शिप के दौरान और उसके बाद अनाउंसमेंट होगी। मैनू तू खुदा
सच्चा खादम बना, सुनी ले दुआ सच्चा खादम बना, मैनू तू खुदा सच्चा खादम बना, मैनू तू खुदा सच्चा खादम बना। सच्चा खादम बना, मैनू तू खुदा सच्चा खादम बना, मैनू तू खुदा सच्चा खादम बना, मैनू तू खुदा सच्चा खादम बना, सुनी ले दुआ सच्चा खादम बना, मैनू तू खुदा सच्चा खादम बना, मैनू तू खुदा सच्चा खादम बना। तेरे लैके आवा भुल्लिया दी टोली नू, दर तेरे लैके आवा भुल्लिया दी टोली नू, हर दम बोला रब्बा सच दी मैं बोली नू, हर दम बोला रब्बा सच दी मैं बोली नू, दर तेरे लैके आवा भुल्लिया दी टोली नू, दर तेरे लैके आवा भुल्लिया दी टोली नू, हर दम बोला रब्बा सच दी मैं बोली नू, हर दम बोला रब्बा सच दी मैं बोली नू, रूदा दे मसा सच्चा खादम बना, दे मसा सच्चा खादम बना, सुन लै दुआ सच्चा खादम बना, सच्चा खादम बना, देखो तो खुदा सच्चा खादम बना। हरे काहा उत्ते पेटा तेरिया नू चारांगा, हरे काहा उत्ते पेटा तेरिया नू चारांगा, अपने ते ओना दिया औकड़ा सहारांगा, अपने ते ओना दिया औकड़ा सहारांगा, रख के निगाह सच्चा खादम बना, रख के निगाह सच्चा खादम बना, सुनी ले दुआ सच्चा खादम बना, मैनू तू खुदा सच्चा खादम बना, मैनू तू खुदा सच्चा खादम बना, मैनू तू खुदा सच्चा खादम बना,
मैनु तू खुदा सच्चा खादम बना, मैनु तू खुदा खुदा सच्चा खादम बना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी जन अपने आंखों को बंद करें और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपने सरों को परमेश्वर की पवित्र हजूरी में झुकाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थी जलाली परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी हम दोसना करते प्रभु जी। आज की प्रार्थना सभा को प्रभु अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाए, हम उसके लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते। हर एक जनों को प्रभु आपके हाथों में देते, जितने जन आज फास्टिंग में थे प्रभु जी, सभी जनों को प्रभु यीशु अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने के लिए, जनों की मदद और सहायता करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। हर एक जनों का एक विश्वास पिता परमेश्वर, जो अटल हो जाने के लिए, दृढ़ हो जाने के लिए प्रभु जी हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर का वचन कहते हैं कि धन्य है वह जो बिना देखे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, हर एक जनों को ऐसा अनुग्रह दीजिए, ऐसा आत्मा दीजिए प्रभु जी, कि दिन प्रतिदिन अपने विश्वास की डोर में ये मजबूत होते चले जाएं, ये बढ़ते चले जाएं। प्रेमी पिता, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब अपने घरों में जाते हैं आपका मसाइन के साथ जाएं, आपका अनुग्रह के साथ जाएं, कल की प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते हैं, आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे जुम्बश करने के लिए। प्रेमी पिता, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, दया करो आशीष जो लोग आना चाहते हैं अभी से प्रभु जी, हम आपके आगे विनती करते हैं कि उनके रास्तों को खोल दीजिए, उनके मार्गों को खोल देने के लिए, दरवाजों को खोल देने के लिए आज हम आपके प्रार्थना करते हैं, ताकि वे प्रभु आपकी हजूरी में पहुंचकर आपकी हमदर्शन, आपके पवित्र कलाम को सुन सके, सारी रुकावटों को उनके आगे से हटा देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। दिन के रहते हुए समय को आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु, एक एक जनों की अगुवाई करना, मदद और सहायता करना, आपका आगमन बहुत ही नज़दीक है। एक एक जनों को अपने आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष और निष्कलंक बनाएं, और आज भी आपका आगमन हो तो हम सब उसमें महिमा में बदल जाएं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन कलीस कहे आमेन। आप हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर के सच्चे दास और दासियों के साथ, परमेश्वर के सच्चे लोगों के साथ, सच्ची कलीसियाओं के साथ, हर एक जनों के साथ अब से लेके प्रभु के आगमन तक होती रहे। सभी जन कली से कहे आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप सबके लिए प्रेम भोज रेडी है, जल्द से जल्द लाइन में बैठे ताकि आप सबको प्रेम भोज जो है वो सर्व किया जाए। तो कल रविवार की प्रार्थना सभा के लिए सभी जनों को इनवाइट करते हैं, अपनी तैयारी करें, और यदि कोई आपके साथ आना चाहता है तो आप उन्हें अपने साथ लेके आए। और जो लोग भी प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो जो प्रार्थना करवाने का नंबर है, जो प्रेयर सेंटर का नंबर है 9711051481, आप इस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी किसी तरह की इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को कलीसिया आप शेयर भी कर सकते हैं। और जिन लोगों के जीवन में गवाहियां आई हैं तो अपनी गवाही को देना बिल्कुल ना भूलें, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं। और जो व्हाट्सएप का नंबर है 7087333103, आप इस नंबर पर अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और सेंड करें। और आपने जब अपने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाते हैं गवाही का, तो एक बार ज़रूर खुद भी सुनना है कि उसके पीछे कोई एक्स्ट्रा वॉइस डिस्टर्बेंस तो नहीं है, तो ताकि आप अपनी गवाही को जब भेजें तो जब दूसरों के साथ शेयर की जाए तो सब आपकी गवाही को सुन के परमेश्वर के अनुग्रह में हर दिन प्रतिदिन वो बढ़ते चले जाएँ। और यदि कलीसिया आपकी कोई इंक्वायरी है तो ज़रूर प्रेयर सेंटर में कॉल करके अपनी इंक्वायरी को क्लियर करना है, और अभी से अपनी तैयारी करें क्रिसमस और क्रॉस ऑफ नाइट की बड़ी मीटिंग्स के लिए, अभी से तैयार हो जाएं, अपनी टिकट्स को बुक कराएं जो लोग दूर से हैं। और जो लोग भी हर रविवार और आने वाली बड़ी मीटिंग क्रिसमस और क्रॉस ऑफ नाइट मीटिंग के प्रेम बोझ को उठाना चाहते हैं, किसी भी तरह के बोझ को उठाना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के भवन में आकर के डायरेक्ट मिल सकते हैं, नहीं तो आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके भी बता सकते हैं कि आप रविवार के प्रेम भोज की सेवा के बोझ को उठाना चाहते हैं, आप क्रिसमस और क्रॉस ऑफ नाइट के जो प्रार्थना सभाएं हैं उनके बोझ को आप उठाना चाहते हैं, प्रेम भोज के बोझ को, टेंट के बोझ को, साउंड के बोझ को और लाइट्स के बोझ को, और भी सारे बहुत सारे इंतज़ाम हैं, आप अपने बोझ को उठाने परमेश्वर के राज के लिए जो भी आप बोझ को उठाना चाहते हैं, आपकी डिटेल्स को बताएं, प्रेयर सेंटर में कॉल करके भी आप बता सकते हैं।
लगातार अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर के राज के लिए प्रार्थना करें, पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें और अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों के द्वारा परमेश्वर के राज में सर्वदा बने रहें। चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी ज़रूरतों के लिए, सुसमाचार के लिए, एवेंजेलिज्म के कामों के लिए, भवन की पूरी ज़रूरतों के लिए अभी से अपने बीजों को बोते रहें विश्वास के साथ और प्रार्थना भी करते रहें। लगातार अपनी प्रार्थना पास्टर जी के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, सारी ज़रूरतों के लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरी टीम के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन कलीसिया परमेश्वर में सर्वदानंदित रहें, प्रभु यीशु मसीह में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएँ। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया बुलंद आवाज से कहें हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड।